अनदर वीडियो। आइए बात करते हैं कि जैसे आजकल आईपीओ एक ऐसा आईपीओ जो उसके सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा आ गए हैं और लिस्टिंग में भी पैसा बनने को उम्मीद है। तो आज ऐसे आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड का, जिसका आईपीओ आ चुका है और ओपन भी हो गया है और आज लास्ट डे है। जिसको आईपीओ अप्लाई जिनको करना है वो लोग कर चुके हैं, जो अब लोग अभी नहीं करें वो भी लोग कर लें, क्योंकि तो बहुत ज़बरदस्त आईपीओ में जिसका जीएमपी अभी से 80% चल रहा है, अपना करंट रेट से भी 80% एक्स्ट्रा पे लिस्टेड होने की संभावना है। जिसको लोके जिसका ओपनिंग जो 26 तारीख को मंडे को ओपन हो गया था आईपीओ, और उसके बाद से जिसकी क्लोजिंग डेट आज 28 जून है, जिसके बेसिस अलॉटमेंट आप लोग को 4 जुलाई को मिल जाएंगे, और उसके बाद जिन लोग का अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका रिफंड हो जाएगा 5 जुलाई को, और शेयर डीमेट में ट्रेड हो जाएंगे 6 जुलाई को, और जो लिस्टिंग डेट है नेक्स्ट फ्राइडे 7 जुलाई को आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी की लिस्टिंग डेट है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आईपीओ कब लेना था, कब अप्लाई करना था, कब लिस्टेड हो, कब डीमेट हो, कब रिफंड हो जाएगा आपको पैसा, और कब आप लोग इंजॉय कर पाओगे जिन लोगों को मिल जाएगा। बट जैसा कि मैं थोड़ा सा अगर बेसिक बात कर लें आइडिया फोर्स लिमिटेड के बारे में, तो ये 2008 के कंपनी है, ड्रोन बनाती है माइनिंग के लिए, एयरस्पेस के लिए, गवर्नमेंट के लिए ज़्यादातर ये गवर्नमेंट के लिए काम करता है। बिजनेस अच्छा है, नए टाइम के लिए ग्रोथ पैटर्न अच्छे दिख रहे हैं, और ये 50% मार्केट लीडर भी है। तो जिसके चलते कि बहुत डिमांड ड्रोन की होने वाली है, आने वाले अलग अलग सेक्टर में बात हो रही है ड्रोन टेक्नोलॉजी की, तो उसके लिए भी एक अच्छा फेस है। बट सबसे बढ़िया बात क्या है कि इसके ऊपर जो जिस प्रकार का रिस्पॉन्स मिला है वो रिस्पॉन्स बहुत अमेजिंग है। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जो कि पहले दिन ही 3-4 गुना हो गया, आज 13-13-14 गुना सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं। तो बट आप ऐसे कि बहुत लकी लोग होने वाले हैं, क्योंकि तो अप्लाई बहुत ज़्यादा लोग कर चुके हैं और अलॉटमेंट कम मिलने वाले हैं। अगर प्राइस बैंड इसकी बात करें 638 रुपये, 672 रुपये है। ठीक है, तो ये इनका प्राइस बैंड फेस वैल्यू 10 रुपये है। एक जो आपको 1484 रुपये का एक लॉट आने वाला है, जिसमें आपको 22 शेयर मिलेंगे, तो अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी लिस्टिंग गेन के लिए। जैसा कि अभी 80% जीएमपी रेट पे चल रहा है, तो ये पूरी संभावना इसकी है कि बहुत अच्छे रेट पे लिस्टेड होगा, और जहाँ से लोग पैसा बना पाएंगे एक लंबे टाइम बाद आईपीओ में जो पैसा बनेगा, क्योंकि 2007 की कंपनी है और अभी 2800 करोड़ रुपये इसका टर्नओवर ही है। तो अगर बहुत फिनेंशियल देखा जाए तो उतने अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल अभी भी नहीं है, कंपनी को थोड़ा सा टाइम लगेगा ग्रो करने में। बट अगर बेसिक चीज़ देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन, क्योंकि जब कोई आईपीओ आता है उससे सब्सक्रिप्शन ही डिपेंड करता है कि उसमें कैसे रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर रिस्पॉन्स की बात करें तो अलग अलग सेक्टर, FIs हो, NIs हो, या म्यूचुअल फंड से कुछ लोगों को देखा जाए, या बड़े बड़े इन्वेस्टर ब्रोकर्स को देखा जाए, रिटेल का कोटा देखा जाए, रिटेल मैक्स का कोटा देखा जाए, सब लोगों ने जमकर पैसा लगाया है और पैसे लगाने में कोई कोताही नहीं बढ़ती है, जिस वजह से ये शेयर, ये आईपीओ इस हालात में आ गया है कि लोग इसके लिए क्रेजी हो गए हैं। तो जहाँ पे अभी इस आईपीओ की बात की जाए तो मिल जाएगा तो लकी है जो लोग, अभी बाइंग के बाद के पता चले, क्योंकि जब किसी भी आईपीओ में बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो कई बार जब अच्छे लिस्टिंग गेन हो जाते हैं लोग अपना पैसा प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं। तो आप इस पे जा सकते हैं, और अभी समय है, आज लास्ट डेट है, जीएमपी बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप आईपीओ में पहली बार बहुत लंबे टाइम बाद एक अच्छा पैसे बनाने की उम्मीद है, जिस आइडिया फोर्स लिमिटेड में बात कर रहा हूँ। तो जीएमपी 80% चल रहा भी थे दोस्त। अभी जैसा भी और कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी इतना ही इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।